और चीन लगातार एलएसी पर तनाव बढ़ाने में लगा है। वो न सिर्फ एलएसी के करीब सेना की तैनाती बढ़ा रहा है बल्कि तेजी के साथ निर्माण कार्य भी कर रहा है। ऐसे में भारत ने सख्त लहजे में चीन को चेतावनी दी कि अगर वो कोई टेढ़ी चाल चलता है तो विस्तारवाद की नीति पर चलने वाले देश को इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि वो सदियों तक याद रखेगा। एक रिपोर्ट। चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी, एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है। ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन एलएसी पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि यहां हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। लिहाजा भारत ने भी साफ कर दिया है कि उसकी ड्रैगन की चाल पर पैनी नजर है और जरूरत पड़ने पर करारा जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने आज तक दुनिया के किसी एक देश पर भी कभी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन यदि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारी सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, भारत को विजय हासिल होगी। चीन से तनातनी के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लद्दाख पहुंचे। आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख में कई अग्रिम इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की। सेना प्रमुख ने सैन्य अधिकारियों से सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। जनरल नरवणे ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डालें तो उसके नापाक मंसूबे साफ पता चलते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में नहीं है। चीन एलएसी पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। पूर्वी लद्दाख और एलएसी के करीब चीन आधुनिक हथियारों की तैनाती एयरबेस पर अपग्रेडेशन कर रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर लगता है जैसे वो जंग की तैयारी में जुटा है, हालांकि वो उल्टा भारतीय सेना पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे का आरोप लगा रहा है। हालांकि सच तो यह है कि चीन एलएसी में बदलाव की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानता है। लद्दाख सेक्टर में दोनों ही देशों की तरफ से भारी सैन्य तैनाती की गई है। चीन की तरफ से करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं और भारत ने भी करीब इतने ही सैनिकों की तैनाती की। चीन ने टैंक समेत तमाम हथियारों को तैनात किया है। भारत ने भी M77 होविट्जर तोपों की तैनाती की है और इसके अलावा स्वदेशी 105mm तोप भी तैनात है। भारत ने चीन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। अगर एलएसी की दूसरी तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को पूरा हक है कि वो इसका जवाब दे। अगर चीन को ये चेतावनी समझ में आती है तो ठीक है, वरना गलवान के बलवानों का पराक्रम उसे याद रखना चाहिए। संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।